दोस्तों, स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें, जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। दोस्तों, स्माइल फैमिलीज चैनल के अनुसार पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2023 में कब है। देखिए, करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है, 1 नवंबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है, इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है, इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ सात जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे, और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने ये एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। पतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर ये बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को अनसब्सक्राइब कर देना। स्माइल फैमिलीज चैनल आपको कॉफी पर लिखकर दे सकता है, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें, जय चौथ माता माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक व्यक्ति को हमने राशि के अनुसार उपाय बताया था, उसके घर में आज पैसों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए करवा चौथ वाले दिन कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, हम आपको स्माइल फैमिलीज की ओर से उपाय बता देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वो स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें, भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है, इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। दोस्तों, और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती हैं।
पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है, इसीलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए, इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती, इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है, जरूरी आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थाई रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण आप मुकेश अंबानी द्वारा सीख सकते हैं। वह अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं, कभी दुख ही नहीं देते। इसी कारण उनके घर में अस्थाई रूप से महालक्ष्मी का विशेष कर स्थायी निवास है। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा हर मुराद को पूर्ण करोगे तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदायी जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं और क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती हैं। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाता है और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं, खासकर उन्हें जरूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है। किसी की पत्नी होती है तो भगवान अपनी नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर सुखी संपन्न से हाथ धो बैठेगा, नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं,
और सब कुछ हर वह एक चीज छीन लेते हैं जो उनके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसीलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी भी कारणवश देगा तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसे नष्ट कर देते हैं और नरक में अनंत काल तक लटका देते हैं। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं, जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे कल का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसीलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य करता है, तो ऐसे घर में भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर, सुखी वैभव परिवार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए, तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें, और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है क्योंकि यह रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहागों वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती हैं, उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा करीबियां बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरें और जबरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़ें, बाहों में भरें और चुंबन आदि करें। वह शर्माएंगी, लेकिन आप प्यार जरूर करें। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहने हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती है। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मरते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, स्माइल फैमिलीज की ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खोगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको दो हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में दो हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है, यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः दूसरा है, ओम गौरी नमः तीसरा है, ओम शिवाय नमः। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, चौथ माता की सौगंध खाता हूं, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने या उपाय करने के बाद, तो हमारे चैनल को, स्माइल फैमिलीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हम 101% आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000% सिद्ध साबित है।
कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथों पानी पीने के बाद, अब आप उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को दो इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है, माता का आशीर्वाद समझकर आपको लेना है, और इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो दो इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी, उन्हें आपको चाय में डाल देना है, या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन दो इलायची को डालना है। आप चाहे तो इन दो इलायची को दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है, तो समझ लें आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा, और यदि वह शराब का सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है जो आपने मंत्र पढ़े हैं, उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है, तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रसमलाई, रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें, और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले, चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा, हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा, पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, बस इलायची को संभाल कर रखें। जब आप यह उपाय करें तब इलायची उसमें डाल देना। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय चौथ माता,